वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 14 है, जिसके आपने हमने थंबनेल के अंदर देख ही लिया, जिसके ऊपर हम बेसिक लेवल एमसीक्यू देखने वाले। क्या देखने वाले? बेसिक लेवल एमसीक्यू। और आपको पता है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। क्यों लंबा है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर मैंने मतलब बहुत सारे एमसीक्यू लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए आपके बॉडी से रिलेटेड, आपके मतलब पूरे मतलब बॉडी से रिलेटेड आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, और इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, मतलब आने ही वाले वैसे, बट अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा ना सब कुछ, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वहाँ पे आप गलत नहीं होगे, मतलब चूकेंगे नहीं वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने के। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देखो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। The roof of buccal cavity is called। अभी देखो buccal cavity बोला तो आपको समझ में आना चाहिए buccal cavity कहाँ पे होती है, और उसे मतलब हम उसे buccal cavity क्यों बोलते हैं। आपको इसका आंसर आपको खुद को ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपने मैं ऐसा यहाँ पे देखो मैं एमसीक्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। या फिर देखो अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड किया है, आपने अगर चैप्टर रीड किया है, तो आपको जितना समझ में आएगा ना समझो वो आपको 10% समझ में आएगा। बट यहाँ पे मैं जो आपको एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ ना, तो एमसीक्यू के अंदर क्या होगा, एमसीक्यू एक्सप्लेन करने को क्या होगा, आपको 10% प्लस मेरा एमसीक्यू पढ़ाने का जो भी अंदाज है, जो भी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, उससे क्या होता है वो आपका 100% हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। बट आपने अगर एमसीक्यू मतलब जो भी आपने टेक्स्ट बुक रीड ही नहीं किया है, उस टॉपिक को आपने रीड ही नहीं किया, डायरेक्टली मेरे एमसीक्यू देखने आए, तो आपको क्लियर तो होगा, वो अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी, बट वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगी, ज़्यादा डीपली नहीं होगी, वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगी। ओके, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी। ओके, इसलिए दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक रीड करके आना है यहाँ पे। ओके, बाद में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठना है। ओके ओके, तो एटलीस्ट वो जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर का होना, आपके मतलब टेक्स्ट बुक आपने उसको रीड किया होना चाहिए, वो टॉपिक रीड किया होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, देखो जो बकल कैविटी होती है हमारे, वो बकल कैविटी हमारे दांत होते हैं, दांत के अंदर जो हम मतलब दिखाना पा रहा है, दांत जो होते ना हमारे दांत के ऊपर, ओके, जहाँ पे हमारी टंग रेस्ट करती ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट्स बोलते हैं। पैलेट्स बोलते हैं जो हमारे बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी का रूफ जो होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट्स बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ओके, डैश लाइज इन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, मतलब फ्लोर क्या है किसे बोलते हैं हम। ओके, नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम बकल कैविटी का फ्लोर बोलते हैं। ओके, दैट इज उसे भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैलेट बोलते हैं। देखो एमसीक्यू कैसे घुमा फिर के पूछे, देखना आपने यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, द अपर सर्फेस ऑफ द टंग, जो भी हमारे टंग होती है ना, टंग का ऊपर हमारे अपर सर्फेस होता है जो आप है। ओके, बियर्स न्यूमेरियस प्रोजेक्शंस कॉल्ड, मतलब जो भी हमारा अपर सर्फेस होता है टंग के ऊपर का, बियर्स न्यूमेरियस प्रोजेक्शन कॉल्ड, उसे हम न्यूमेरियस प्रोजेक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या लगता है दोस्तों आपको, कि जो ऊपर अपर सर्फेस है हमारा टंग का, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो उसे हम बोलते हैं पैलिएट्स। ओके, क्या बोलते हैं हम, पैली पेपिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेपिलिया बोलते हैं, पेपिलिया। ओके, पेपिलिया मतलब क्या, वही दोस्तों जो हमारा यहाँ पे क्या बोले, पैलेट्स बोलना अपने बकल कैविटी का जो भी अपर और लोअर जो भी फ्लोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेट्स बोलते हैं। वैसे दोस्तों हमारे जो टंग का जो अपर और लोअर फ्लोर होता है ना, ओके, अपर सर्फेस बोला है इन्होंने, उसे हम कहते हैं पैलिप्स बोलते हैं, पैलिपिया बोलते हैं। ओके, पैलिपिया बोलो, पैलिप्स बोलो, जो भी सही लगे आपको, बस सिर्फ इसका स्पेलिंग ठीक से लिखना। ओके, एमसीक्यू में तो कोई बात नहीं, बट ठीक है बोलने के लिए सही बोलो, क्या बोलने इसे, पेपलिप्स बोलने, क्या बोलते हैं, पेपलिप्स बोलने का, पेपलिप्स। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड, जो भी हमारा फेरिंग्स ओपन होता है ना, ओपन्स, ओके, जब फेरिंग्स ओपन होता है हमारा इनटू ट्रैकिया के अंदर, ओके, थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड, जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, क्या बोलते हैं, ग्यूटिया बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, इपिग्लोटिस बोलते हैं, या फिर वेस्टिबुला बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पाइलोरिक स्प्रिंक्टर्स इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, जो भी पायलोरिक स्प्रिंक्टर होते हैं वो कहाँ पे, मतलब कौन से जंक्शन के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओके, इनका सिंपल क्वेश्चन है, ओके, जो पायलोरिक स्प्रिंक्टर होता है ना, वो हमारा होता है स्टमक एंड ड्यूडेनियम के अंदर होता है। ड्यूडेनियम आपको बता होगा कहाँ पे, ओके, स्टमक एंड ड्यूडेनियम के अंदर, वहाँ पे हमारा क्या होता है, जंक्शन प्रेजेंट होता है, पायलोरिक स्प्रिंक्टर का जंक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों ये। ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या दोस्तों, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या होता है दोस्तों, हम बोलते हैं जेजुनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेजुनियम, जेजुनियम, ड्यूडेनियम और इलियम दोस्तों, आपको पता होगा ना ये। ओके, एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड कोलन देयर इज अ ब्लाइंड पाउच कॉल्ड। ओके, क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंड पाउच होती है वो, किसे ब्लाइंड पाउच बोलते हैं हम उसे, इलियम एंड कोलन देयर इज अ ब्लाइंड पाउच, मतलब इलियम और कोलम के बीच में क्या होता है, एक ब्लाइंड पाउच होता है, दैट इज उसे, उस पाउच को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका आपको सिंपल आंसर देना है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा ये ऑप्शन, क्या बोलते हैं उसे, सीसीएम बोलते हैं, सीसीएम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, ईच
लोब ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय अ थिन कवरिंग कॉल्ड, जो भी हर एक लोब जो होता है ना लोब ओके इन लीवर के अंदर इज कवर्ड बाय थिन कवरिंग ओके मतलब थिन कवर है उसके ऊपर ओके दैट इज सेम क्या बोलते हैं ओके सिंपल डेफिनेशन दोस्तों ये आपको बताए ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं जेलिसंस कैप्सूल जेलिसंस कैप्सूल बोलते हैं उसे राइट ऑप्शन क्या ए ऑप्शन देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर आर कॉल्ड जो भी हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मतलब ये चैप्टर के ऊपर ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लियर हुई ना तो कोई बात नहीं ओके मतलब कंसेप्ट क्लियर हुई तो आपको एमसीक्यू का आंसर देने में कोई टाइम ही नहीं लगता ओके जैसे मैं मेरी आपके कंसेप्ट क्लियर तो मुझे इसका आंसर आ भी गया मुझे पता है इसका आंसर क्या है दोस्तों पर फिर भी मैं आपसे बातें क्यों कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और आंसर डालो बाद में मेरी बातें सुनो ओके मैं ऐसा चाहता हूँ बट फिर भी अगर आप सिर्फ मेरी बातें ही सुनते हो एमसीक्यू आंसर देखते हो सिर्फ तो अभी आपकी मर्जी अभी क्या बोल सकते हैं राइट ऑप्शन हमारा क्या है हेपेटिक लोबल्स बोलते हैं उसे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके गॉल जेल ब्लडर स्टोर्स दी बाइल सीक्रेट बाय ओके मतलब जो भी हमारा जेल ब्लैडर होता है ना वो स्टोर्स करता है द बाइल सीक्रेट्स बाय बाइल जूस ना बाइल जूस आपको पता है दोस्तों आपको पता होगा बाइल जूस क्या करता है देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ यहाँ पे तो जो बाइल जूस होता है ना हमारा बाइल जूस का वर्किंग क्या होता है वो कहाँ पे होता है हमारा पहली बात में इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ ओके वो स्टोर होता है पैनक्रेस के अंदर स्टोर होता है आपका ओके इसका राइट ऑप्शन आई थिंक नहीं पैनक्रेस के अंदर नहीं होता दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है कहाँ पे लीवर के अंदर स्टोर होता है और बोथ और ए और बी इसका राइट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसको मैं पहले कट मार देता हूँ ऐसा ओके तो देखो दोस्तों जो बाइल जूस होता है बाइल जूस को मैं आपको फंक्शनलिटी बताऊँ जो कहाँ पे स्टोर होता है उसको हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है और जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल आपको पता है जिस जो आप सुबह सुबह डालने जाते हो बाहर मतलब वॉशरूम में टॉयलेट में ओके तो दैट इज वो जो बाइल जो हमारा वेस्ट मटेरियल उसको कलर करने काम कौन करता है ये हमारा बाइल जूस करता है ओके वो जेली बैटर स्टोर करता है इन दी लीवर के अंदर दोस्तों ओके ओके तो क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर भी क्लियर होगा यहाँ पे देखो बोथ ऑफ द ए एंड बी है पर दोस्तों आप गलती से मतलब फॉर्म क्या करते हो बी को राइट डी को राइट क्लिक कर देते हैं हम और आपको यहाँ पे मार्क्स चला जाता है ओके तो क्लियर होगा आपको देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर नीचे देखा कौन सा ऑप्शन जो फंक्शन मतलब लीवर का फंक्शन नहीं है दोस्तों ओके तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों तो क्या लगता है यहाँ पे ओके तो हम चेक करते हैं देखो वन बाय वन चेक करते हैं हम फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ बाइल यस दोस्तों ये तो हमारा फंक्शन है लीवर का अभी तो देखना हम देखा हमने इस एमसीक्यू के अंदर मतलब बाइल जूस तो लीवर के अंदर स्टोर होता है ना दोस्तों ओके सेकंड से हमारा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आई थिंक नहीं ये नहीं लगता मुझे ये फंक्शन नहीं है लीवर का ओके सेकंड से हमारा क्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज यस ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है ओके सिंथेसिस ऑफ विटामिन ये तो यार ऑब्वियसली विटामिन तो होंगे ही नहीं उसके अंदर तो इसका राइट ऑप्शन बी है क्योंकि बी ही ऑप्शन ऐसा है जो लीवर के अंदर मतलब इसका फंक्शन नहीं है ओके सिंपली ओके द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोजोन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोजन के अंदर वो ओके ग्लाइकोजन के अंदर वो स्टोर्ड इन कहाँ पे स्टोर होता है सिंपली इनका ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ओके तो वो कहाँ पे स्टोर दोस्तों होते हैं आपका लीवर के अंदर ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन है यही पे देखो ना यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्लूकोज स्टोर कहाँ पे होता है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है ना तो यही पे इसका आंसर भी मिल गया हमें तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था हमारा ब्लड प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बियन एंड फिम्ब्रिनोजन आर प्रोड्यूस जो भी हमारा प्रोथ्रोम्बियम होता है और फिम्ब्रिनोजन तो वो प्रोड्यूस करता है ब्लड प्रोड्यूस करता है ब्लड प्रोटीन करते हैं तो लाइक ओके तो वो कैसे होता है मतलब इसके अंदर इनके अंदर कौन सा ऑप्शन है कि जो इसके अंदर इवॉल्व होता है दोस्तों ओके तो कौन सा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ये है आपका लीवर लीवर ही होता है दोस्तों लीवर ऑप्शन देखा ना मतलब लीवर के ऊपर कितने सारे एमसीक्यू आ रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कभी कभी कि लीवर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं पांच में से कम दो से तीन क्वेश्चन में भी आ भी सकते हैं क्या मतलब गारंटी नहीं कह सकते हम कि देखो एमएटी सीटी यार अभी सीटी के अंदर क्या होगा हमें पता नहीं चलता हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं ओके तो क्या आ सकता है ओके अगर आपकी थ्योरी एग्जाम होगी तो मैं आपको डैम श्योर बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ बट सीटी जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता उसके अंदर सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन के ऊपर जो थ्योरी है मतलब ये जो थ्योरी है इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं टाइप के बोला मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आ सकते ओके मतलब आ भी सकते हैं वैसे अभी देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा पिछले वाला लेक्चर था आई मीन पिछले वाला जो हमारा चैप्टर था ओके रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर इसके अंदर कुछ एमसीक्यू ऐसे थे जो रिपीट हुए थे ओके 2010 के अंदर भी 2015 के अंदर भी तो वैसे कुछ एमसीक्यू रिपीट होते हैं बट वो बहुत ही रेयर होता है देखो वो 5 साल के बाद वो एमसीक्यू रिपीट हुआ बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ गए थे
रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड मतलब कुछ भी ऐसे घूम फिर क्वेश्चन आ सकते हैं टाइम पे भी। आपको सिर्फ वो लॉजिक बनना चाहिए कि ऐसे एमसीक्यू को आया तो इसके ऊपर आंसर क्या हो सकता है, सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए उस वक्त। ओके वो एंड ऑफ मतलब जो पॉइंट होता है ना, मेन पॉइंट मेन जो टाइम होता है उस वक्त आपको आपके ब्रेन चलना चाहिए फास्टली, आपको सोचना आना चाहिए। ओके मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस तो करवाऊंगा आपकी, नो डाउट, बट इन टाइम पे आपको सब कुछ सोचना आना चाहिए, इन टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हमारे टेक्स्ट बुक उसको बाहर रीड रीड बहुत बार रीड करना पड़ता है आपको। मैं आपको झूठ लगेगा, मेरी जब एमएससी एग्जाम थी ना तब मैंने वो हमारा टेक्स्ट बुक था ना 12th और 11th का, ओके 11th के जो चार चैप्टर है उन चार चैप्टर को मैंने कम से कम दो दो बार रीड किया। ओके उन चार को दो दो बार रीड किया, और हमारे 12th बुक है ना 12th का बुक पूरा बुक दोस्तों मैंने तीन बार रीड किया था, पूरा बुक तीन बार, मतलब देखो पूरा बुक तीन बार रीड किया था मैंने और पूरा गंदा कर दिया था, मतलब उसको अंडरलाइन करके ऐसा रीड करके करके किया था मैंने। ओके तो आपको मतलब झूठ लग सकता है मे भी, बट आपको ऐसा करना पड़ेगा तभी आपको वो सब कुछ क्लियर होगा कंसेप्ट। जब तभी आप जब भी मतलब एमएससीड एग्जाम एक्चुअल देने जाओगे ना तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इसके एमसीक्यू क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिंपली कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं आपको, डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख लोगे। ओके तो बहुत सारी बातें बातचीत हो गई आपसे हमारा, ये मतलब बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है वैसे। पैनक्रेज लाई बिटवीन, पैनक्रेज कहाँ पे लाई करते, ओके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पैनक्रेज कहाँ पे लाई करते, वो होता हमारा डोडिनियम एंड स्टमक के अंदर पैनक्रेज हमारा लाई करते दोस्तों। ऑप्शन कहाँ पे हमारा डी, यही पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एग्जोसीन पार्ट ऑफ पैनक्रेज इज मेड अप ऑफ पैनक्रेटिक लोब्यूल कॉल्ड, मतलब जो हमारा एग्जोसीन होता है, एग्जोसीन क्या होता है, पार्ट ऑफ किसका होता है, पैनक्रेस का पार्ट होता है, इज मेड अप ऑफ पैनक्रेटिक लोब्यूल, पैनक्रेटिक मेड उसे फॉर्म करता है, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसा सिंपल इनका क्वेश्चन दोस्तों। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं एक्नी, क्या बोलते हैं उसे, एक्नी बोलते हैं, एसनी बोलते हैं, फिर एक्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ACIN एक्नी बोलते हैं। सिंपल मतलब सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू है इसके ऊपर, मतलब ऐसे डिट्टो एमसीक्यू आ सकता है बट थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, अभी डिट्टो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट ये कंसेप्ट यही रहेगी। ये जो भी यहाँ पे बोला ना एक्सोसिस पार्ट ऑफ पैनक्रेज, एक्सोसिस पैनक्रेज का पार्ट है वो किसने बनाए, पैनक्रेटिक लोब्यूल ने बनाया, बट उससे उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, एक्न बोलते हैं, बट ये सिर्फ क्या कर सकते, वो एमएससीडी वाले क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वही आंसर वही रहेगा, फिर उल्टा पुल्टा करेंगे या फिर आंसर भी चेंज हो सकता है, इन अदर तीन और चार ऑप्शन में से कुछ और अदर ऑप्शन हो सकते हैं। ओके सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्नियर सेल आर प्रेजेंट इन, जो एक्नियर सेल जो है वो कहां पे रहते हैं दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन में आपको यही बता दिया, इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, पैनक्रेज और राइट ऑप्शन है ये, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना इसके ऊपर, देखो मैंने बोला आपको थोड़ा घूम फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो एक्नियर है इसके बारे में पूछे उन्होंने, तो ऐसा ही होता है दोस्तों। ओके मैं सभी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको आपके जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा मतलब मूवमेंट देने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके मतलब मूवमेंट दे सकते हैं, ऐसे एमसीक्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपके एमएससी एग्जाम के वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके सलाइवा इज मेड अप ऑफ, जो सलाइवा होता है हमारा आपको होता है हमारा लार बोलते हैं उसे सलाइवा। ओके वो कैसे फॉर्म होता है दोस्तों, कैसे फॉर्म होता है, वो होता है हमारा वाटर, सलाइवरी सलाइवरी एमिलेज, ओके लाइसोसोम्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके इन सब के में से क्या होता है हमारा सलाइवा मतलब फॉर्म होता है हमारे माउथ के अंदर। ओके डैश परसेंट स्टार्च गेट कन्वर्टेड टू माल्टोज मेल्टोज इन द माउथ। ओके मतलब नीचे ऐसे कितने परसेंट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट होता है हमारे माल्टोज इन द माउथ, माउथ के अंदर वो कन्वर्ट होता है दोस्तों। ओके तो कितने परसेंट दोस्तों, तो वो 100% होते दोस्तों, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, 100 तो नहीं होते दोस्तों, तो वो होते हैं हमारे 30% होते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ। ओके थोड़ा सा ओके, सलाइवा कंटेंस अ स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम कॉल्ड, जो सलाइवा कंटेन करता है स्टार्च करता है स्प्लिटिंग एंजाइम, वो एंजाइम को स्प्लिटिंग करता है दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इनका सिंपल ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू डैश बाय द एक्शन ऑफ एमिलेज, नीचे ऐसे कौन सा ऑप्शन क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ओके कन्वर्ट तो करता है बट बाय वो एक्शन ऑफ एमिलेज, एमिलेज की एक्शन की यूज करके वो कन्वर्ट करता है, बट वो किसे क्या कन्वर्ट करता है उसको हमें बताना है यहाँ पे। ओके दोस्तों क्या कन्वर्ट करता है, सो करता है हमारा माल्टोज, जैसे कि हमने पिछले एमसीक्यू में यहाँ पे देख लिया था, कहाँ पे देखा था हमने, आई थिंक मैंने बताया था आपको एमसीक्यू, ये मतलब क्वेश्चन के अंदर था वो एमसीक्यू, आई थिंक अभी वो मिल नहीं रहा है कोई, तो ठीक है कोई बात नहीं, आपको वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लें क्योंकि मुझे तो मिल नहीं रहा, मैं चाहता नहीं वीडियो बहुत लंबा हो। ओके एसिडिक साइमा इज
न्यूट्रलाइज बाय एसिडिक साइमा जो होता है ना, वो न्यूट्रलाइज होता है, वो किसकी वजह से न्यूट्रलाइज होता है ओके okay? तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो दोस्तों। ओके तो डी लग तो रहा है बट डी नहीं है, क्योंकि केवल एसिडिक साइमा बोला है न्यूट्रलाइज। एसिडिक साइमा हमारे बाइल जूस के अंदर ही होता है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर नहीं होता, वो बाइल जूस के अंदर होता है। दैट इज हमारा बाइल ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन है। एंजाइम इंट्रोकाइनेसिस इज प्रेजेंट इन, दोस्तों हमारा इंट्रोकाइनेसिस एंजाइम होता है ना, इंट्रोकाइनेसिस एंजाइम, वो काफी प्रेजेंट होता है। इनका क्वेश्चन ऐसा ओके सो वो होता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है, काफी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होता है वो एंजाइम और इंट्रोकाइनेसिस होता है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एंजाइम कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड टू डाइपेप्टाइड, कौन सा एंजाइम ऐसा है कि जो पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड कन्वर्ट करता है दोस्तों ओके दोस्तों कौन सा ऐसा एंजाइम दोस्तों वो है दोस्तों हमारा साइमोट्रोपिसिन, साइमोट्रिप्सिन है इसका राइट ऑप्शन, हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पैनक्रेटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो क्या करता है हमारे पैनक्रेटिक जूस के अंदर, मतलब हेल्प करता है हमें डाइजेशन के लिए, हमारे हम जो खाना खाते हैं उसको हमें पचाने के लिए हेल्प करता है ओके न्यू सेल्स ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, वो हमारा पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजिनियस बेसिस, इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डैश ओके, जो 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ना टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है दोस्तों, किडनी के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, या फिर स्टमक के अंदर होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों, वो होता है हमारा किडनी के अंदर, नहीं दोस्तों वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो 90% होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सब कुछ होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन बाय 1 ग्राम ऑफ फूड इज कॉल्ड, जो भी एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चीज़ का प्रोडक्शन होता है वैसे, बट मेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है तो किसकी वजह से होता है ओके, या फिर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन इनका, उसे हम क्या बोलते दोस्तों, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ओके, एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ डैश केसेस जेड्यूसिस ओके, जेड्यूसिस जो भी एबनॉर्मल फंक्शनलिटी होते हैं इन केसेस ऑफ जेड्यूसिस के अंदर, जो एबनॉर्मल फंक्शनलिटी होती है दोस्तों वो काफी होती है दोस्तों, कौन सी केसेस के अंदर होती है दोस्तों, वो होती है हमारी लिवर केसेस के अंदर, लिवर के अंदर क्या होता है हमारे एबनॉर्मल फंक्शनलिटी कभी कभी पाई जाती है ओके, मतलब कुछ भी अगर हमें बीमार होती है ना, हमें जब भी हमें कुछ बीमारी होती है, हमारे पेट से रिलेटेड कुछ भी बीमारी होती है, उसका मेन रीजन क्या होता है हमारा लीवर होता है, लीवर की वजह से मतलब लीवर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होता है, उसी वजह से हमें क्या होते हैं पेट की बीमारी होती है ओके। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, तो वीडियो लेक्चर वो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब कुछ भी हमारे लिए हमारे इस चैनल को बड़ा करने में के लिए आपसे हो सकता है, आपका जितना भी योगदान है आप कर दो, मैं क्या मांग रहा हूँ सिर्फ आपसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर, अपने सभी दोस्तों को शेयर करवाओ, उनको भी पढ़वाओ थोड़ा सा ओके, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलेगा उनसे ओके। तो जल्द से जल्द सब कुछ कर दो दोस्तों, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कंप्यूटर लेवल और हार्ड लेवल एमसीक्यू को थोड़ा सा मिक्स में देखेंगे, मतलब दोनों को एक ही वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा दोस्तों ओके। तो बाय फ्रेंड्स।